हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो के बारे में। अगर आपके पास जियो का सिम है, जियो का नंबर यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो जो है बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि पहले जो जितना भी 50 रुपीज़ के वाचर्स हुआ करते थे, उसको हम रिचार्ज के समय यूज़ करके उसको अप्लाई कर दिया जाता था, तो हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता था। लेकिन अब ये जो है 50 रुपीज़ का जो कैशबैक मिलता था, वो हो गए हैं एक्सपायर, तो हम अब इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसको हम देखने के लिए जाएंगे। सबसे पहले माय जियो ऐप में लॉगिन होना है, उसके बाद हमें नीचे की ओर जाना है माय वाउचर्स के सेक्शंस में। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है योर कैशबैक वाउचर्स हैव एक्सपायर्ड। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ क्लियर है कि पहले जो वाउचर्स है वो एक्सपायर हो चुके, और नीचे हम देख पा रहे हैं कि उसको हमने जो 199 रुपीज़ का रिचार्ज कर रखा है। ठीक है दोस्तों, हमने जब भी रिचार्ज किया तो इसमें 199 का रिचार्ज किया, तो मेरे अकाउंट से जो है 149 रुपीज़ लगा, बाकी जो 50 रुपीज़ का वाउचर मुझे मिल गया था। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाउचर्स को हम खुद के नंबर पे यूज़ तो कर सकते हैं, प्लस इसमें फ़ायदा ये है कि इसको जल्दी ख़त्म करने के लिए, जल्दी यूज़ करने के लिए हम दूसरे के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर, मतलब दूसरों के नंबर पे इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं हम ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, किसके नंबर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ रिसिपिएंट जियो नंबर, यहाँ पर हम जियो नंबर रिसिपिएंट का जिसको भेजना है उसका नंबर हम एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरों का जियो नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ ट्रांसफ़र नाउ में क्लिक करेंगे तो दूसरों के नंबर पे ये जो है रिचार्ज बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नया तरीका है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि जितना हो सके जल्दी ये वाउचर्स को यूज़ करके, रिडीम करके समाप्त कर दें, क्योंकि ये एक्सपायर हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके जल्दी उसको रिचार्ज करके, यूज़ करके हम दूसरों के में ट्रांसफ़र में कर सकते हैं, और खुद के में रिचार्ज तो करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो दूसरों के में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिचार्ज करके अपने। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।